हेलो डियर फ्रेंड्स, ये आपका बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश फ्लुएंसी का क्वेश्चन नंबर एक का आंसर है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यू रिसेंटली विजिटेड ए शॉपिंग मॉल आफ्टर एवरी लॉन्ग टाइम, राइट ए डायरी एंट्री इन अबाउट 400 वर्ड डिस्क्रिप्शन व्हाट यू सॉ अराउंड यू। इसमें डायरी एंट्री के बारे में कर रहे हैं, तो गाइज आपको अपने हिसाब से बना लेना है डायरी एंट्री, और बाकी मैं पूरा इसका शॉपिंग मॉल के बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ से आपको कर लेना है, द शॉपिंग मॉल वी वेंट टू वाज नॉट फॉर फ्रॉम हेयर रेसिडेंस एंड वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स इन द सिटी। ठीक है, आई वाई लेफ्ट विथ माई जाओ हैंगिंग वीन ए लुक द इनोमिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो गाइज आपको यहाँ से लिखना, पहले आपको डायरी एंट्री बना लेनी है, उसके बाद बॉक्स की तरह, उसके बाद यहाँ से आपको स्टार्ट करके लिख लेना है। गाइज देखिए मैं ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिससे देखिए इसमें पूरी हेडिंग भी रहेगी और आपका उसमें पॉइंट में आप बना भी सकते जिससे कि आपके अच्छे से मार्क्स मिलने की संभावना हो। ठीक है, तो देखिए ये आपको लिख लेना है इवेंट इन प्रोग्रेस तक, उसके बाद देखिए क्या क्या मॉल में, तो क्या है शॉपिंग एट द मॉल, ये आपको हेडिंग लिखना है। उसके बाद फिर ऐसा इस तरह का ऐसा लिख लेना है पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है ये पूरा बता दिया हूँ, बस आपको लिख लेना है अब आराम से आंसर। ठीक है, एक होता है कि बस ऐसे ही आप डायरी एंट्री लिख रहे हो फिर डायरेक्ट लगातार लिख रहे हो, वैसे नहीं होगा, वैसे आपका नंबर भी कम आएंगे और गलत भी हो सकता है, इसलिए आपको हेडिंग बना के लिखना है। हेडिंग के ऊपर जितना अच्छा पॉइंट बना के लिखेगा उतना अच्छा आपको अच्छे नंबर से अच्छे नंबर मिलेंगे। अब देखिए पहले ये हो गया, अब देखिए ये हो गया, फिर आपको दूसरा ये लिख लेना आपको हेडिंग लॉन्च एट शॉपिंग मॉल। ठीक है, लॉन्च ए शॉपिंग मॉल, ये लॉन्च ए शॉपिंग मॉल के बारे में बता लिख लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे ये लिखिएगा उसके बाद नीचे आ जाइएगा कॉन्सलेशन, और कॉन्सलेशन में फिर अलग से कॉन्सलेशन का हेडिंग डाल के आपको लिख लेना है डायरी एंट्री। तो आपको ज़्यादा ही बड़ी नहीं लिखनी है कॉन्सलेशन, ये देखिए डायरी एंट्री आपको यहाँ तक लिख लेना है, स्माइल एंड एग्रीड, या कॉन्सलेशन आपको होगा। तो गाइज इसका आंसर यहीं तक है, और बाकी अब मैं दूसरे का आंसर आपको जल्दी लाऊंगा आपके सामने।